नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास टेंथ की हिंदी। क्लास टेंथ की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारा सैंपल पेपर। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपना जो तीसरा सैंपल पेपर है वो स्टार्ट किया था 2020 का, और उसमें हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश जो यानी कि पहला प्रश्न हमारा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़ा और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो जैसे कि अभी तक आप दो बार यहाँ पर अपनी प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो दे चुके हैं और साथ ही हम भी यहाँ पर अपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक अपठित गद्यांश को पढ़ने में, सॉल्व करने में। तो ध्यान पूर्वक आपने केवल उसको पढ़ना है और फिर उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से यहाँ पर कहा था कि आप इस गद्यांश का एक उपयुक्त तो शीर्षक लिख कर लाएंगे, एक उपयुक्त तो शीर्षक लिखेंगे। तो जिन बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी कोशिश करेंगे उपयुक्त तो शीर्षक इस एक पैराग्राफ इस गद्यांश को देने की। और साथ ही उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो हमारा दूसरा प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न था हमारा एक निबंध। तो जो ये दूसरा प्रश्न हमारा है वो है एक निबंध, जिसमें आप देख सकते हैं केवल 250 शब्दों में आपने यहाँ पर ये निबंध लिखना है। और निबंध भी आप देख सकते हैं दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और क्लास टेंथ में जो हमें निबंध दिया जाता है उसकी एक खास एक विशेषता होती है कि उसमें हमें इस तरह से सब टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपका टाइम मैनेज हो जाता है इन सब टॉपिक्स के कारण, क्योंकि आप इन सब टॉपिक्स पर सोचते हैं और फटाफट फटाफट आप लिख देते हैं। यानी कि अगर आप एक सब टॉपिक पर आधा पेज या उससे ज्यादा भी थोड़ा सा लिखते हैं तो बहुत अच्छे से आपका एक निबंध कम से कम 3 से 4 पेज का हो जाता है और बहुत ही अच्छा निबंध यह आपका होता है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा भी बहुत ही सरल है जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर आज की आवश्यकता, और ये भी आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर आज की आवश्यकता। तो मुझे नहीं लगता क्लास टेंथ में अभी आप हैं और आपको कंप्यूटर जो आज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में, उसकी उपयोगिता या उसका विकास या उसके बारे में आप ना लिख पाए या ना समझ पाए ये पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन आप एक बार इसको जरूर अच्छे से देख लें और इस बारे में समझ लें और इसको पढ़ें, क्योंकि लास्ट जो आप देखेंगे कुछ ईयर्स के जो सैंपल पेपर तो उसमें भी आपको ये दिखाई देता है ये वाला निबंध। तो इस तरह से हमारे दो प्रश्न हमने अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर यहाँ पर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है हमारा वो है यहाँ पर एक पत्र, लेटर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास टेंथ में, और आप देख सकते हैं 5 नंबर का ये हमारा प्रश्न है, लेटर यानी कि पत्र। तो पत्र, दो तरह के पत्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में भी है, दो तरह के पत्र, एक आपका है औपचारिक पत्र, एक आपका है अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों पत्र बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं कि क्या होते हैं औपचारिक पत्र, क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र। लास्ट सेशन में भी जो हमने इसे पहला जो सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें भी मैंने पत्रों को बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था कि अब आप सबसे पहले पत्र को पढ़ेंगे, ठीक है, अब पढ़कर आपको पता चलेगा कौन सा पत्र आपका औपचारिक है, कौन सा पत्र आपका अनौपचारिक है। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी कि दो पत्र हैं, दोनों में से केवल एक करना है, तो आप दोनों पढ़कर जाएं, जो आपको लगे कि इजी है उसको आप करें। तो पहला है, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र देते हुए एक उसको पत्र लिखिए, अपने मित्र को बधाई देते हुए उसे एक पत्र लिखिए, और आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, यानी कि नीचे अपना नाम नहीं लिखना है, आप अपना काल्पनिक नाम क ख ग नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मित्र का नाम आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम पत्र में नीचे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कहा गया है मित्र को पत्र लिखने के लिए। तो जब हम
कोई जो पत्र हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, यानी कि वे पत्र जो अपने एक तरह से संबंधियों को दिए जाते हैं या फिर जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है, उनको दिए जाते हैं, वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और देखिए, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्रों में मैंने आपको बताया था कि जो संबोधन या अभिवादन जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है, बाकी सारी चीजें लगभग जो है एक जैसी होती हैं। और आपको यहाँ पर संबोधन और अभिवादन पर ध्यान देना होता है कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपने संबोधन करना होता, संबोधित करना होता है, और उसी के हिसाब से आपने अभिवादन करना होता है। तो यहाँ पर आपने अपने मित्र को बधाई पत्र देना है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टफ है। बहुत सरल एक तरह से तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए। तो ये एक अनौपचारिक पत्र जो आपके ऑप्शन में यहाँ पर आया है। दूसरा है, देखिए आप पत्र देख सकते हैं अथवा में, आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। आपको सेकंड जो दूसरा पत्र है वो लिखना है नगर निगम अधिकारी को। और आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो गया है और जिससे मलेरिया फैलने का डर है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग था ये आपका निबंध पत्र यहाँ पर है। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि किस तरह से आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे कि आपके एक तरह से, और ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा है, तो या आपका टॉपिक हो सकता है कि सड़कों पर बहुत सारा कचरा जो है फैला रहता है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर है, या हमारे जो रोड साइड जो एक तरह से बिजली के खंभे हैं उनमें लाइट नहीं जलती है इसलिए अंधेरा रहता है। तो उस विषय पर भी, क्योंकि टॉपिक आपका कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर, तो देखिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सारा पानी जमा हो गया है, मलेरिया फैलने का डर है। तो ये है आपका विषय, ठीक है, ये है आपका पत्र का विषय। तो कैसे आप लिखेंगे, ये आपका औपचारिक पत्र है, यानी कि कोई भी पत्र जब हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिनसे हमारा ना तो कोई पारिवारिक संबंध होता है ना ही कोई निजी संबंध होता है, वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र हम लिखते हैं या तो कार्यालय से जुड़ा हुआ, व्यवसाय से जुड़ा हुआ, या प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके एक तरह से जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्रों में कैसे आपको अभिवादन करना है, कैसे आपको संबोधन करना है, ठीक है। औपचारिक पत्रों में आपने देखा होगा ज्यादातर जो कार्यालयी पत्र होते हैं या एक तरह से व्यावसायिक पत्र होते हैं उनमें आपका अभिवादन नहीं होता, यानी कि उनको आप प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार नहीं कहते हैं, उसमें आप सीधे संबोधित करते हैं, उसके बाद आप विषय लिखते हैं और उसके बाद अपनी समस्या आप पूर्ण रूप से वहां पर एक तरह से डिस्क्राइब अच्छे से करते हैं और फिर उसके बाद आप एक तरह से पत्र को समाप्त करते हैं धन्यवाद के साथ और आपके सिग्नेचर उस पर होते हैं। तो इस तरह से आप ये औपचारिक पत्र लिखेंगे और यहाँ पर भी आप अपना नाम क ख ग ही लिखेंगे, यानी कि आप अपना नाम पत्र के एंड में नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपना प्रश्न 3 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रश्न 3 जो है वो 5 नंबर का है, आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से इसको कीजिए। और अब आता है हमारा अगला व्याकरण से जुड़ा हुआ पोर्शन, अगला आता है हमारा व्याकरण से जुड़ा हुआ पोर्शन। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक, यानी कि प्रश्न 3 तक अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए या प्रश्न 3 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में। अब देखिए आपका व्याकरण से जुड़ा हुआ यहाँ पर सेशन आता है। व्याकरण में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न 4 देखिए आप, और देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रिया पद छाटकर क्रिया का भेद बताइए, 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है और 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि 2 आपके ये प्रश्न है। तो दोनों में से आपने यहाँ पर दोनों में से आपने दोनों प्रश्नों को करना है, यानी कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, 1-1 नंबर के ये दोनों हैं। तो सबसे पहले आपने क्रिया पद छाटना है, उसके बाद आपने
क्रिया का भेद बताना है, ठीक है। तो क्रियापद छाटकर क्रिया का भेद आपने बताना है। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं। विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रियापद क्या है, क्रियापद क्या है इसमें? अब देखिए यहाँ पर क्रियापद क्या है, क्रियापद किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्रिया किसे कहते हैं। क्रियापद तभी तो आप बताएंगे, पद परिचय ये आपने पढ़ा है, नाइन्थ में पढ़ा है, टेंथ में भी मैंने पढ़ाया है पद परिचय की संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है एक तरह से। तो यहाँ पर जा रहे हैं ये क्या है, आपका आपका क्रियापद है। ये क्या है, क्रिया पद, यानी कि यहाँ पर काम करने का बोध हो रहा है कि कोई काम किया जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये आपका क्रियापद है। और निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छाटकर क्रिया का भेद बताइए। अब आपको यहाँ पर क्रिया का भेद भी बताना है। तो अब आप देखेंगे क्रिया का भेद, तो क्रिया के मैंने आपको दो मुख्य भेद जो बताए हैं, एक आपका अर्थ के आधार पर, एक आपका रचना के आधार पर, दूसरा यहाँ पर जो है अर्थ के आधार पर जो है, एक आपका सकर्मक क्रिया और एक आपका है अकर्मक क्रिया। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ये आपकी सकर्मक क्रिया कैसे है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे परीक्षा भवन में, परीक्षा भवन में जा रहे हैं, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। उसके बाद है देखिए आप, वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जिससे काम करने का बोध होता है वही आपका क्रियापद है। तो पानी पी रहा है, क्रिया का बोध हो रहा है, काम का बोध हो रहा है कि काम किया जा रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है। तो यह आपका क्रियापद है और यह भी आपकी सकर्मक क्रिया है, यह भी आपकी क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इतना सा सरल सा आपका ये प्रश्न यहाँ पर है, तो आपको बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप एक बार जो आपकी क्रिया टॉपिक है उसको घर पर जरूर रिवाइज कर जाएं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज समझ में ना आए, तो अपना डाउट यहाँ पर जरूर क्लियर करें। अपना एक तरह से जो भी आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में, चाहे व्याकरण से जुड़ी हुई, चाहे लिटरेचर से जुड़ी हुई, आप उसको जरूर यहाँ पर शेयर करें। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर दो में से दो पूरे हमें यहाँ पर उत्तर आंसर एक तरह से मिल जाते हैं। अगला है देखिए यहाँ पर, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये भी आपका जो प्रश्न है वो एक एक नंबर का है। तो देखने में आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, एक एक नंबर के हैं, लेकिन लास्ट में आप जब कभी एक नंबर से आपकी जब कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पर एक नंबर मेरा आ जाता तो सही रहता, तो देखिए ये चीजें यहाँ पर मैटर करती है, यानी कि ये छोटी छोटी चीजें हैं और आप इनको जरूर अच्छे से पढ़कर जाएं ताकि कोई भी गलती के चांसेस इसमें ना रहे। यथा निर्देश उत्तर दीजिए, तो आपको यथा निर्देश जिस तरह के आपको आगे निर्देश दिए गए हैं उसका आपने उत्तर देना है, वैसा ही आपने उत्तर देना है। तो छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, इसमें आपको क्रिया विशेषण छाटकर लिखना है, क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले तो आपको क्रिया पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्रिया से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो क्रिया टॉपिक जरूर घर पर एक बार रिवाइज करके जाएं। क्रिया विशेषण छाटकर लिखिए, पहले तो क्रिया पता होना चाहिए क्या है, तभी तो आप क्रिया विशेषण बताएंगे। तो क्रिया यानी कि किसी काम का बोध होता है, काम किए जाने का बोध हो रहा होता है, तो उसे कहते हैं क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं हो गई आपकी क्रिया। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं,
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। छात्र किस तरह से पढ़ रहे हैं? छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ध्यान पूर्वक, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका समुच्चय बोधक शब्द, आपने यहाँ पर छांटना है। रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ। रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको समुच्चय बोधक शब्द को छांटकर लिखना है। समुच्चय बोधक शब्द, अब देखिए ये शब्दों के प्रकार, अब शब्दों के प्रकार भी आपने यहाँ पर लिखने हैं कि कौन से शब्द समुच्चय बोधक शब्द, कौन से है विस्मयादि बोधक शब्द, कौन से है संबंध बोधक शब्द, कौन से है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जो वाक्यों वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या होते हैं समुच्चय बोधक शब्द? जो वाक्यों को वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण होते हैं जो समान स्तर के वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। व्याधिकरण जो होते हैं वो अलग अलग शब्दों को भी आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा कि यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द कहा है, रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ। तो देखिए यहाँ पर जो अपेक्षा शब्द है वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ कि रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ, यानी कि ये जो अपेक्षा शब्द है ये इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द क्या है? यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है अपेक्षा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको दो में से दो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न चार भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके लिए आपको एक तरह से क्रिया जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही जो आपके शब्द हैं समुच्चय बोधक शब्द, आपका विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इन शब्दों को भी आपने अच्छे से पढ़ना है ताकि आप किसी डाउट में ना रहें। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी हमारे हिंदी व्याकरण से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, और प्रश्न है निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपने उत्तर देना है। जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। निम्नलिखित में से ये किस प्रकार का वाक्य है? जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो अब देखिए ये आपका सरल वाक्य तो नहीं है जो आपका यहाँ पर दिया गया है, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। सरल वाक्य तो ये आपका नहीं है, ठीक है, और संयुक्त वाक्य भी नहीं है, ठीक है, सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है। तो ये किस तरह का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। ये किस तरह का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि वाक्य भी हमने पढ़े हैं रचना की दृष्टि से वाक्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहले आपका अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सभी ने पढ़ा है, फिर भी कोई डाउट होता है तो बच्चे जरूर क्लियर करें, जरूर आप यहाँ पर शेयर करें, घर पर जाकर एक बार पढ़ें सभी को, सभी चीजों को जो जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए। देखिए ये आपका
अब अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद यहाँ पर आ जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो आपने देखा कि जब हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे तो हमने विराम चिन्हों में एक चीज कहा था कि जो विराम जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है वो हमेशा प्रश्न पूछे जाने पर ही पीछे लगाया जाता है। तो हमने कहा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जो प्रश्न पूछे जाने का बोध करा रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे मोहन आज विद्यालय नहीं गया, मोहन आज विद्यालय नहीं गया, वह समझदार है, तुम क्या कर रहे हो। साफ साफ क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस ये जो वाक्य है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस तरह से हमने प्रश्न तीन भी क्लियर कर लिया है। और देखिए जो प्रश्न जो भी अब यहाँ पर तीन जो टॉपिक है वो आपको घर पर अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने शब्दों को पढ़ना है, उसके बाद आपने क्रिया पढ़नी है, उसके बाद आपने वाक्य पढ़ने हैं। तो तीन चीजें देखिए आप व्याकरण में जरूर रिवाइज कीजिए घर पर जाकर। बाकी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है प्रश्न ग अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है को कर्म वाच्य में बदलिए, अशोक पुस्तक पढ़ता है को कर्म वाच्य में बदलिए। वाच्य परिवर्तन क्लास टेंथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य परिवर्तन, जिसमें आपने वाच्य परिवर्तित करना होता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य से कृतवाच्य। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपने वाक्य बदलना है कर्मवाच्य में, यानी कि आपको एक सरल वाक्य दिया है अशोक पुस्तक पढ़ता है, यानी कि अशोक पुस्तक पढ़ता है कहा गया है, क्रिया जो है अशोक के आधार पर लिखी गई है। तो ये आपका कृतवाच्य है यानी कि यहाँ पर काम करने वाले कर्ता का बोध हो रहा है, लेकिन इसी को हमने कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्रिया कर्ता के बाद से या द्वारा के द्वारा जोड़ दिया जाता है, द्वारा या से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो अशोक द्वारा द्वारा या अशोक के द्वारा भी लिख सकते हैं पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि अब यहां पर जो कर्ता प्रधान नहीं है अब यहाँ पर कर्म प्रधान है और क्रिया भी अब कर्म के आधार पर ही लिखी जाएगी, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अब देखिए अमित से दौड़ा नहीं जाता है को कृतवाच्य में बदलिए, अमित से दौड़ा नहीं जाता है। तो देखिए नहीं जो दौड़ा जाता है नहीं शब्द का प्रयोग ज्यादातर किसमें होता है, नहीं शब्द का प्रयोग ज्यादातर भाववाच्य में होता है, तो उससे आपको बनाना है कृतवाच्य। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर लिख देंगे अमित नहीं दौड़ता है, अमित नहीं दौड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है आपका ये वाच्य परिवर्तन, केवल और केवल जरूरत है घर पर एक बार रिवीजन की, एक बार रिवाइज करेंगे, कोई भी डाउट लगता है तो उसे कंफर्म करेंगे, उसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ कैसे है और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न 5 भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हम अपने इस सैंपल पेपर के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और मुझे अभी तक यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आप लोगों को कुछ टफ या बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन है या ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। ये सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है और मुझे लगता है ये आप आसानी से कर भी सकते हैं। अब यहां पर देखिए पर्यायवाची शब्द,
जो है एक तरह से पहले अर्थ बताना है, उसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो देखिए प्रश्न 6 जो है उसमें निम्नलिखित शब्दों में से तारा शब्द का अर्थ छाट कर लिखिए। तारा शब्द का अर्थ छाट कर लिखिए। चंद्र, चंद्र तो किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, तो ये तो अर्थ नहीं हो सकता तारे का। रश्मि, रश्मि का अर्थ होता है किरण, तो ये भी पर्यायवाची नहीं हो सकता तारे का, क्योंकि रश्मि का अर्थ होता है किरण। तो देखिए दूसरा जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, नक्षत्र। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही उत्तर है नक्षत्र। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब देखिए भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब किसके पर्यायवाची है? भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब किसके पर्यायवाची है? सूर्य के पर्यायवाची है। तो भानु भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दिनकर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल राकेश शब्द जो है वो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची है। भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची है। चंद्रमा का आपका पर्यायवाची है शशि, चंद्र, राकेश। ठीक है, ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं प्रश्न 6 तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और प्रश्न 6 तक जो है हमारा पूरा का पूरा जो ऑप्शन टॉपिक है वो हमारा हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अपने पठित गद्य काव्यांश की तरफ, यानी कि यहाँ से हमारा लिटरेचर पार्ट स्टार्ट होता है, लिटरेचर पार्ट शुरू होता है, जिसमें हम काव्य खंड को सबसे पहले पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम काव्य खंड में एक पठित काव्यांश पहले पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को समझकर उसमें दिए गए नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 7 जो है हमारा, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर, दो काव्यांश दिए गए हैं, ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए, तो आप अच्छे से पढ़कर आए और आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ध्यान पूर्वक देखिए, 3 नंबर का एक प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि ये आपका काव्यांश टोटल 6 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का एक प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं, यानी कि काव्यांश आपका 6 नंबर का है, तो महत्वपूर्ण है। 2 काव्यांश आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पहला काव्यांश यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पहले काव्यांश को पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह ते सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर जो हमारी दी गई है, पद जो पद में से दी गई है पंक्तियां। तो यहाँ पर आपने देखा लास्ट सेशन में भी इस वाले पाठ से यहाँ पर एक पठित गद्यांश आया हुआ था, और साथ ही प्रश्न भी आए हुए थे। तो चैप्टर महत्वपूर्ण है, घर पर जरूर रिवाइज करें, कोई डाउट लगता है तो जरूर क्लियर करें। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जब जो श्री कृष्ण है वो चले गए हैं एक तरह से मथुरा, और वहां जाकर अब वो एक तरह से वहां पर अब राजा बन गए हैं, और राजा बनने के बाद वो उद्धव जी को संदेश लेकर भेजते हैं गोपियों के पास, क्योंकि गोपियां तो इंतजार कर रही हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, लेकिन अब
कृष्ण यहाँ पर राज कर रहे हैं, राजा बन चुके हैं, अब वो अपना एक तरह से दूसरा जो कर्तव्य है उनका उसको निभा रहे हैं। तो वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास और गोपियों से कहते हैं कि अब कृष्ण ने तुम्हें कहा है कि तुम अब योग साधना में लग जाओ। तो गोपियां उनसे क्या कहती हैं? कहती है हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि यानी कि हमारे भगवान हमारे कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है जिसको वो हमेशा अपने पंजों में दबाकर चलती है और उसी को लेकर उड़ती है। उसके जीवन का सहारा वही एक लकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन और हृदय से हमने नंद के नंद को, नंद का जो नंद बाबा का जो बालक है उसको हमने अपने हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी कि यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है। ये दृढ़ करके ये मन में संकल्प करके हमने उसको अपने मन में बसाया हुआ है, ये संकल्प हमने करा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निति निति कान्हा कान्हा जकरी। और अब हमारे जीवन में कृष्ण के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। जागते वक्त सोते वक्त स्वप्न में दिन में रात में हर समय हम कान्हा कान्हा जपती रहती है, हर समय हम कान्हा कान्हा कहती रहती है। सुनत जोगत जोग लागत है ऐसो, आपका ये योग संदेश हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली होगी। जब आप सैलड काटते हैं सलाद काटते हैं और आप काट रहे होते हैं बड़े चाव से आप खाते हैं और मुंह में अगर आपकी कड़वी ककड़ी चली जाती है तो मुंह का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। तो बिल्कुल गोपियां यही कह रही हैं कि हम इतने आनंद से कृष्ण को भजने में लगे हैं और तुम्हारा ये योग का संदेश बीच में हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमारे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो। सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। ये कौन सी नई बीमारी हमारे लिए लेकर आ गए हो व्याधि, ये कौन सी नई बीमारी लेकर हमारे पास आए हो जो हमने कभी न देखी न सुनी। तो फिर गोपियां क्या कहती है, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं गोपियां इस प्रकार से कहती है कि हे उद्धव इस योग संदेश को तो तुम उन्हीं लोगों को सुनाओ, इस योग का संदेश तो तुम उन्हीं लोगों को दो जिनके मन चंचल है, जिनका मन एक जगह पर नहीं रहता। क्योंकि हमारा मन तो अब कृष्ण के अलावा और कहीं भटकने वाला नहीं है, हमारा मन तो अब जहाँ लगना था वहां लग चुका है। तो जिन लोगों के मन चंचल हैं, जो संसारिकता में जो मोह माया में डूबे हुए हैं, उन लोगों को तुम ये योग का संदेश सुनाओ, हमारे पास मत लाओ ये नई बीमारी। तो इस तरह से यहाँ पर गोपियां कहती हैं। अब देखिए तीन प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, तीनों में से हम यहाँ पर तीन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन हमारे पास केवल दो का है, दो प्रश्न हमने सॉल्व करने हैं एग्जाम में। लेकिन क्योंकि ये हम तैयारी कर रहे हैं तो हम हमसे कोई भी चीज छूट ना जाए, इसीलिए हम यहाँ पर तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि मुझे लगता है कि आसानी से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो जरूर क्लियर कर ले और घर पर एक बार चैप्टर को खुद से पढ़ ले। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है और किस रूप में है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे हरि, हरि यानी कि भगवान कृष्ण, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है और किस रूप में है। देखिए जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को सदैव अपने पंजों में दबाए रखता है अपने साथ रखता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां अपनी तुलना उस हारिल पक्षी के रूप में करती है और उस लकड़ी को श्री कृष्ण कहती है, कहती है कि हम हमेशा अब हमारे जीवन में सहारा जो है वो सिर्फ कृष्ण का है, अब हम उस लकड़ी को उस कृष्ण रूपी जो लकड़ी जो हमारा सहारा बनी हुई है उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं।
यानी कि अब हमने अपने मन मस्तिष्क में हर जगह कृष्ण को धारण कर रखा है, हर जगह हमने हमारे एक तरह से मन और मस्तिष्क में हमने ये दृढ़ कर रखा है और हमने यही एक तरह से सोच लिया है कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। तो इसीलिए आप ये सुंदर सा उत्तर इस प्रश्न का लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसी में गोपियों को करुई ककड़ी की तरह क्या लगता है और क्यों? गोपियों को करुई ककड़ी की तरह योग का संदेश लगता है। सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककड़ी। तो गोपियों को योग का संदेश कड़वा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि गोपियां कहती हैं, देखिए गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के मुंह में कड़वी ककड़ी लग जाती है तो उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क हर जगह श्री कृष्ण निवास करते हैं, हमारा मन कृष्ण में रम चुका है, हमारा मन कृष्ण में लग चुका है। अब जो तुम हमें ये योग का संदेश दे रहे हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, हमारा टेस्ट खराब कर रहा है, यानी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये योग का संदेश। तो इस तरह से गोपियां यहाँ पर कह रही है उद्धव से। गोपियों के लिए व्याधि का क्या आश्रय है? गोपियों के लिए व्याधि का क्या आश्रय? जैसे यहाँ पर क्या कहा है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। तो गोपियों के लिए व्याधि का क्या आश्रय है? तो व्याधि का आश्रय है यहाँ पर कि तुम एक नई बीमारी, ये कौन सी लेकर आ गए, ये कौन सी नई बीमारी लेकर आ गए जो अब तुम हमें योग का संदेश, हम पहले से ही अपना सब कुछ कृष्ण को न्योछावर कर चुके हैं, हम पहले से ही अपना सब कुछ कृष्ण को दे चुके हैं, तो ये नई बीमारी कौन सी है, ये नया योग का संदेश कौन सा तुम दे रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पर हमने तीनों प्रश्न पढ़ लिए हैं। अपने लिटरेचर से जुड़ा हुआ जो ये काव्यांश है, ये हमने एक यहाँ पर पढ़ लिया है। अगला आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है, ये फसल कविता से है। तो ये आज का आपका होमवर्क है कि आप इस फसल कविता को घर पर पढ़ें, और क्योंकि लास्ट जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें भी इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न आए हुए हैं, तो जरूर इस पाठ को घर पर रिवाइज करें। अभी तक जितना भी यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व किया है, कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई भी चैप्टर में भी कोई डाउट हो या व्याकरण से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करें। फिलहाल हमारा सेशन आज का यहीं पर समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।